उसके बाद कई प्रकार के लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी रेगुलेशन, सब रूल्स रिक्वायर्ड थे, वो भी सर्वसम्मति से हुए। रेट फिक्सेशन हुआ, कुछ रेट्स के ऊपर रीहियर डिस्कशन हुआ, और एक प्रकार से सभी निर्णय संसदों में, संसद के दोनों सत्रों में, सदनों में, राज्य विधानसभाओं में, सभी राजनीतिक दलों का, सभी विधानसभाओं का, राज्य सरकारों का इसमें योगदान रहा। और एक सरकार से आरंभ हुआ हुआ दूसरी सरकार और तीसरी सरकार तक ये एक संशोधन गया है, और एक प्रकार से पूरे देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, उसको पूरा बदलेगा। और इस दृष्टि से तीस जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है, और जो जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। और कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पर रहें। तो एक प्रकार से इसके पूरे इतिहास में जिस प्रकार से सारे देश की राजनीतिक व्यवस्था इसके निर्णय में लगी है, उसके अनुकूल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इफ आई मे रिपीट इन इंग्लिश दैट लेट ऑन द 30th ऑफ जून अ प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, all members of the GST council, chief ministers and officials who have assisted in this whole process, also chairpersons of the empowered committee at various points of time have all been invited. The launch will take place exactly at midnight when the switchover takes place in the president, in the presence of the president, who has kindly agreed to be present, the Vice President, the Speaker, Lok Sabha, the Prime Minister will all be there. Two former Prime Ministers will also be on stage, Dr. Manmohan Singh and Shri H.D. Devgowda. And there will be a brief function of about 1 hour, where the Prime Minister and the President will speak on the subject, and there are two short films on the subject of GST which have been देखिए इसलिए अगर आप पूरे टैक्सेस देख लें तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है, जो टैक्सेस का रेट लगा है
उसमें अपेरेंटली हमारा राजस्व रेवेन्यू कम होता है, लेकिन हम इस सिद्धांत पे वर्क कर रहे हैं कि रेट कम होने के बावजूद भी राजस्व कम नहीं होगा, क्योंकि एक एफिशिएंट सिस्टम में इवेजन चेक होगी। तो इसलिए रेट जिन जिन प्रोडक्ट से कम होते हैं उसका एक इन्फ्लेशन पे असर तो पड़ता है, और मॉनसून कैसा होता है, ऑयल प्राइसेस कैसे होते हैं, सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के। इस सामान पर कितना टैक्स कम हुआ इसका विज्ञापन सरकार समय समय पर जारी कर रही है, उसके अनुपात में कीमतें कितनी कम होनी चाहिए, कोई रेंज हम लोग जारी करेंगे एक इंडिकेटिव प्राइस? देखिए, हम इंडिकेटिव प्राइस सरकार का काम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मतलब आई सीरियसली होप दैट इवन दो ट्रांजिएंटली देर इज एन एंटी प्रॉफिटेयरिंग क्लॉज, इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंट एंड नॉट रियली बी यूज्ड, अनलेस I hope we are not compelled to use it. So, but by when will the authority be set up? So the committees, the council, every now and then keeps meeting. So last meeting we decided the structure. So we have set up the standing committee and the committee both. As far as the issue of Jammu and Kashmir is concerned, you said that provisions may. I strongly believe that if any state. Now there are only two states left. Kerala is certainly getting into it, and Kerala has been extremely is one state which has been totally in favor and very cooperative. But because of those special provisions, if for some transient time, let's say any state keeps out, J&K or anyone, both its traders and consumers will suffer. They will suffer because they will not get the benefit of input tax. So they'll have to pay tax twice over, and the consumers will get material which is costlier than the rest of the country. तो जो भी अपने राज्य में लागू न करेगा उसके व्यवसायियों को भी नुकसान होगा और उसके उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा।